स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये अगस्त महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षाओं वाला महीना है और इस परीक्षाओं वाले महीने में जो भी छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहा है उनके लिए तो खासकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में 1,70,000 की बहाली निकाली गई है। 1,70,000 कुछ संख्या कहलाती है। अब इसके लिए जो छात्र आवेदन किए हैं वो बिहार के भी हैं और अदर स्टेट के भी हैं, लेकिन समस्या तो उनको उठ खड़ी हुई है जो अदर स्टेट वाले हैं। आखिर कब तक हमारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा? अभी हाल ही में सीटेट ने भी अपना एक नोटिफिकेशन दे दिया कि हम लोग जो है ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे, ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम लेंगे। कारण है उसके पीछे कि छात्रों की बढ़ती संख्या, जी हाँ, यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं नहीं हो पाई ऑनलाइन एग्जाम लेने को लेकर, तो आपका वहां पे भी एग्जामिनेशन सेंटर बदल दिया गया। क्योंकि जो सेंटर्स आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिलने वाला था वो एग्जामिनेशन सेंटर में बदलाव किया जाएगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन दिया गया था जो कि हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी है। उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। अभी वहां पे प्री एग्जामिनेशन सेंटर्स बताया गया आपको कि आपका इस शहर में सेंटर हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने उस शहर का रिजर्वेशन करवा लीजिए। दूसरी चीज कि वहां पे सीटेट के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो 18 अगस्त को जारी किया जाएगा, शायद आई थिंक हाँ 18 अगस्त को जारी किया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। 20 अगस्त से परीक्षाएं शुरू है वहां पे सीटेट की, तो वो भी जानकारी आप लोगों को मैं देता रहूंगा। लेकिन बात हो रही है बिहार में, क्योंकि पूरे देश भर का नजर जो है बिहार पे है और बिहार की इस बड़ी बहाली की प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर सबसे बड़ा बहाली शिक्षक भर्ती को लेकर जो कि कितना निकाला गया है, 1,70,000। ये बहाली जो है एक छोटी मोटी बहाली नहीं है और इसको सिर्फ कंडक्ट किया जा रहा है इन 4 तिथियों में। अब आपको व्यवस्थाएं कैसी होगी, किस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा और क्या इसमें पारदर्शिता बरती जाएगी, उसको लेकर सरकार और आयोग काम कर रहे हैं निरंतरता से। क्या एग्जामिनेशन की डेट बढ़ सकते हैं सर? नहीं, अभी फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं कि इसका एग्जाम का डेट एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये डेट जो मिला है बीपीएससी को, ये 4 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मिला है। लेकिन एक विवाद और उठ रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश के छात्रों का, जी हाँ, वो मांग कर रहे हैं कि तिथि में कुछ बदलाव किया जाए। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, जी हाँ, चूंकि सीटेट एग्जाम भी आपका 20 अगस्त को है, आने में यहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं, तो अभी सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों ने आवाज उठाया, बाकी अदर स्टेट के जो देखिए क्या है ना कि बिहार के इस वैकेंसी को अदर स्टेट वाले छात्र भी ज्यादा नहीं भर रहे, वही लोग भर रहे हैं जो कि यूपी से हैं, झारखंड से हैं और एमपी से हैं, ज्यादा दूर दूर के छात्र नहीं आए। तो इसलिए ये आपके लिए जो बिहार के छात्र डर रहे थे कि अदर स्टेट वालों को क्यों आखिर मौका दिया गया, तो डरिए नहीं बिल्कुल। यहाँ पे ये सिर्फ अभी तक तो मांग उठा है एमपी वालों का, लेकिन एग्जाम डेट जो है आपका 24, 25, 26 और 27 अगस्त 4 तिथियों में ही लिया जाएगा ये बड़ी बहाली की प्रक्रिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है पारदर्शिता का कि भैया यहाँ पे जो पारदर्शिता बरती जा रही है वो किस तरीके से, कुछ बताइए हमें। तो आज का हिंदुस्तान खबर में न्यूज अपडेट आया है, मैं यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग। ये जो है अपडेट दिया जा रहा है बायोमेट्रिक को लेकर, यानी कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, यानी कि आपके थंब इम्प्रेशन, हो सकता है कि आई टेस्ट भी वहां पे लिया जाए, है ना, आईरिस का जांच होता है जैसे कि आप आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हैं तो उस तरीके से। लेकिन मुझे जहां तक पता चला है कि ये थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, बायोमेट्रिक आपका लिया जाएगा और आप ही उस परीक्षा को दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। ये परीक्षा 4 दिन होगी। अब यहाँ पे जो है 2 दिन जो आपका इंपॉर्टेंट है डेट, मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो अपडेट किया गया है, 24 अगस्त को हिंदी का पेपर होगा और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ये 2 पेपर होंगे, ये 24 अगस्त को होंगे संभवतः। और यहाँ पे जो इस परीक्षा में, इस हिंदी और सामान्य अध्ययन के जो 24 अगस्त को जो परीक्षा हो रही है, इसमें जो डेटा निकल कर आया है ये करीब करीब 8,15,000 छात्र जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे टोटल। उसके बाद आपको बता दें कि ये दोनों परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी, ये पहले शिफ्ट में हिंदी होगा और दूसरे शिफ्ट में आपका जो है सामान्य अध्ययन वाला पेपर होगा। ये 24 अगस्त को फाइनल ले लिया जाएगा। अगर हम एग्जाम डेट की और बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 25 से लेकर 27 अगस्त ये 3 दिन आपका एग्जाम, अलग अलग परीक्षाएं होंगी यहाँ पे। अलग अलग क्यों? क्योंकि देखिये यहाँ पे जो है ना 3 तरह की बहाली है, प्राथमिकी, माध्यमिकी
और उच्च माध्यमिक की। तो प्राथमिकी तो हमारे ख्याल से यहाँ पे हो जाएगा 24 अगस्त को, लेकिन 25, 26 और 27 को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों का एग्जाम होगा। अब इतना जो यहाँ पे लग रहा था कि दिक्कतें होंगी, बहुत सारे छात्र एग्जाम देने आएंगे बिहार में, अदर स्टेट के भी आएंगे, तो सेंटर को लेकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो वहां पे आप लोगों से एक चीज जांच करवाई मांगा गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप अपने जो है सेंटर 3 चूज करके दीजिए। सपोज मान लीजिए कि आपने वहां पे सेंटर जो है एक पटना, एक रोहतास और एक सारण डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो ये आपका ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एग्जाम है, मैं आपको पहले भी बता चुका था। और आपको लगता है कि ये आपसे आपके सेंटर्स इसी जगह पर देने के लिए आपसे चूज करवाए गए, नहीं ये आप भूल के भी दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा आयोग नहीं करने जा रहा कि आपसे पूछ के आपको सेंटर देगा। हाँ ये हो सकता है कि आपके जो सेंटर्स हैं जो बीपीएससी दूर दूर जिलों में आपको भेजती थी वो ना भेज के आपके आसपास के जिलों में भेजेगी। सपोज जैसे कि आपने अगर रोहतास के लिए आवेदन किया है तो आपका जो है सेंटर हो सकता है कि गया दे दिया जाए या औरंगाबाद दे दिया जाए, है ना, या फिर कैमूर दे दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि पटना सेंटर पहले च्वाइस में डाला है तो आप जाहिर सी बात है कि पटना के आसपास के क्षेत्र के होंगे तो पटना डाला है, तो ये सेंटर आपको मिलने की संभावना 0% है, एकदम 0%। लेकिन उन छात्रों के लिए जो कि अदर स्टेट से आके आवेदन करेंगे, जी हाँ, क्योंकि उनके लिए तो भाई एग्जामिनेशन स्टेट जो होगा ना, स्टेट सिटी, वो बिहार में ही होगा, और उनके लिए जो कन्वीनियंट है कि वो आके बाहर से एग्जाम दे सके तो उनके लिए पटना जो है ये कन्वीनियंट होगा। तो अदर स्टेट वाले छात्रों को मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लगता है कि पटना सेंटर दिया जा सकता है। लेकिन सपोज मान लीजिए कि जो छात्र झारखंड से है, अब झारखंड से उसके लिए तो पटना दूर पड़ जाएगा, तो उनका जो सेंटर है मोस्ट प्रोबेबली गया दिया जा सकता है, क्योंकि वो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है और वहां से झारखंड भी नजदीक पड़ेगा, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां से उनका जो शहर है पटना नजदीक पड़ेगा तो पटना भी दिया जाएगा। तो ऐसे करके जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट का व्यवस्था किया गया है, और जैसा कि मुझे पता लगा है ये चीजें आपको यहां से मिलेगी, तो आप इस भरोसे में मत रहिएगा। हाँ ये हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर इन 3 में से है इसके आसपास के क्षेत्र में देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोहतास से अगर आप हैं तो आपका सेंटर गया, औरंगाबाद या कैमूर दिया जाएगा, है ना। आप अगर सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपका जो है पटना दे सकता है, मुजफ्फरपुर दे सकता है या बेगूसराय दे सकता है, ये आपका सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल एबिलिटी होगा जहां पे आपको भेजेगा। तो ये हमने आपको सेंटर्स की जानकारी दे दी, एग्जाम डेट बता दिया कि किस डेट को कौन कौन सा एग्जाम होगा, 25 से लेकर 27 तक अलग अलग आपकी परीक्षाएं होंगी जिस परीक्षा के लिए आप यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं। अच्छा 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्जाम है, उसके लिए भी पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि इस बार ना सही अगले बार सही कहीं और बड़ी वैकेंसीज में आपको बैठने का मौका मिल सकता है, तो अच्छे से एग्जाम दीजिए इसको, है ना। प्रायोरिटी सीटेट को दीजिए, मैं बोलूंगा बीपीएससी को ना देकर आप प्रायोरिटी जो है सीटेट को दीजिए, अच्छा स्कोर लेकर आइए वहां पे, ताकि आपको केवीएस या फिर नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल में पढ़ाने का भी मौका मिल सकता है। तो वहां पे आप स्कोर करके जाइएगा तो आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी और दूसरी चीज आपको थोड़ा सा रिपोर्टेशन भी मिलेगा। बिहार के शिक्षकों का रिपोर्टेशन देख ही रहे आप लोग कि सरकार ने क्या करके रखा है, लाठी भी मारता है यहाँ पे सरकार यहाँ पे, और आयोग जो है प्रताड़ित भी करता है, तरह तरह के वैकेंसीज के फॉर्म जिसे निकाला है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट बनवा के आपको परेशान करने की पूरी जिम्मेवारी जो है बिहार सरकार और आयोग ने अपने जिम्मे में ले रखी थी। लेकिन फिलहाल उन सबके बावजूद ये परीक्षा हो रही है, अच्छी बात है, सरकार को इसका हम लोग स्वागत करते हैं इस चीज को लेकर, और आगे आप लोग की परीक्षा बेहतर जाए, बेहतरीन हो, अच्छे से आप परीक्षा की तैयारी करें इसकी हम कामना करते हैं। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको मिलेगा, डेट भी हमने बता दिया कि 24 से लेकर जो है आपका 27 तक एग्जाम होने वाला है, 24 को आपको हिंदी और सामान्य अध्ययन का होने वाला है और बाकी 25, 26, 27 आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। स्टेट सिटी आपका बिहार ही होगा, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। अदर स्टेट वाले आएंगे जो छात्र वो पटना में उनका सेंटर हो सकता है, या फिर अगर आप जैसे कि झारखंड से हैं तो आपका गया या फिर आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में दे सकता है सेंटर, या फिर पटना भी दे सकता है, है ना। और सेंटर जो आपने चूज किया है उसके बारे में हमने आपको बताया, एग्जाम के पैटर्न के बारे में हमने आपको बताया है पहले भी वीडियोज में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये जो बायोमेट्रिक होने वाला है इस एग्जाम में, और ये पहली बार एग्जाम हो रहा है, बड़ा बहाली हो रहा है, रिटेन एग्जाम लिया जा रहा है इसका, तो यहाँ बायोमेट्रिक लेना जायज है, जो कि आप लोग भी सहयोग कीजिएगा तो ये परीक्षा बहुत ही साफ सुथरा हो सकेगा।
आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमसे पूछेंगे कि बुक कौन कौन सा इस इन दिनों में पढ़े, तो देखिए सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आप जीके पे, जीएस पे और करेंट अफेयर पे। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का जो सेक्शन है वहां से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स से एटलीस्ट 15 हो सकते हैं, रीजनिंग के कम जो है 10 हो सकते हैं, यानी कि ये 25 से 30 नंबर जो है आपको यहां से तैयार रखना है, है ना। जो भी छात्र प्राथमिकी का एग्जाम देना जो कि सामान्य अध्ययन का यहाँ पेपर देगा उसमें 30 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। हो सकता है कि 20 मैथ के हो और 10 रीजनिंग के हो, या फिर 15 मैथ के हो तो 15 रीजनिंग के हो सकते हैं। तो ये सिनारियो भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप लोग को कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाके आर एस अग्रवाल बनाने बैठ जाए अभी से, नहीं, एग्जाम नजदीक है। जो भी प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उन्हीं प्रैक्टिस सेट में से उठा के वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बनाइए। बाकी जीके जीएस और करेंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कीजिए, वहां से स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। 120 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है, तो गुड लक है आपको, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जवाब जरूर दिया जाएगा। जय हिंद।